वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साहिब संगत जीओ, अज आपां कुछ विचार करनी है कि किवें मोबाइल फोन गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच सतगुरां की निरादरी करता है, तो असी लोग किवें सतगुरां की हजूरी विच बैठ के मोबाइल फोन दे जरिए पापां दे भागी बन जाते हाँ। आओ कुछ विचार करिए। वाह गुरु दिया सिखा, अज तेरा मोबाइल फोन तेनू गुरु तो भी ज़्यादा प्यारा हो गया जापदा है। कदे अपने मन अंदर झाती मार के वेखी, ये गल सच है। आओ देखिए किवें है मोबाइल फोन गुरु तो प्यारा। भावें अज दे इस युग विच साडा एक मिनट भी मोबाइल फोन तो बिना नहीं सरदा, पर फिर भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार साढ़े सारियां लई मुख है। अज साडी सोच गुरु प्रति इन्नी समझदार नहीं जिन्नी के होर पासे है। उंज तां असीं पक्के दावे नाल ये गल कहिंदे हाँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूरी दुनिया के मालक हन। कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार एक जज तो घट करते हाँ? कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार एक पुलिस अफसर तो घट करते हाँ? फिर क्यों असीं अदालत विच जाण तो पहला अफसर नूं मिलण तो पहला फोन क्यों बंद कर लेंदे हाँ? क्योंकि साढ़े मन विच जज दा अते पुलिस अफसर दा डर हुंदा है। जेकर इन्हां थावां उपर साढ़े मोबाइल फोन की घंटी बज जाए जां असीं अदालत विच फोन सुन लईए तां कई वारी सानूं सज़ा भी मिल जाती है। ओ गुरु दिया प्यारिया सिखा, तू इन्हां दुनियावी अदालतों विच जाण ते अपना फोन बंद कर सकदा है, किसी अफसर नूं मिलण जाण ते फोन बंद कर सकदा है, किसी मीटिंग ते जाण ते फोन बंद कर सकदा है। की कदे तू सोचिया है कि उस निरंकार की अदालत तेनू बख्श देवेगी? जब तू श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच बैठ के फोन सुनेगा जां फोन करेगा, ये गल याद रखी, तेरे मोबाइल फोन की वजी हुई घंटी तेरे लिए कते उस परमात्मा की दरगाह विच गले का फंदा ना बन जावे। गुरु दिया सिखा, तू कदे सोचिया नहीं कोई परमात्मा दे नाम विच रंगी हुई रूह संगत विच कीर्तन सुनदिया कथा सुनदिया जां गुरबाणी सुनदिया उस परमात्मा नाल एकमिक होई होवे ते तेरे मोबाइल फोन की घंटी वज जावे, ये गल पक्की है। उसका तिखी नज़र नाल तेरे वल तकिया होया ते उसकी टुटी हुई लिव तेरे जीवन लिए एक सराप बन जाएगी। आज किसी भी कीर्तन दरबार में चले जाओ जां किसी खुशी दे जां गमी दे समागम में चले जाओ, तुहानू कुछ ऐसियां शख्सियतां मिलणगियां जिहड़ियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सत्कार दी परवाह नहीं करदियां। गुरु दी हजूरी विच बैठ के उच्ची उच्ची मोबाइल फोन ते गल्लां करनियां भावें ओह किन्ना भी पैसे वाला क्यों ना होवे, इह गल इक सिख नूं शोभा नहीं दिंदी। भावें असीं गुरु घर थोड़े समय वास्ते जाइए, वो साडा प्यार वाला ते सत्कार वाला होना चाहिदा है। गुरु प्यारियो, मोबाइल फोन अज दे समय दी जरूरत है पर जिंदगी नहीं। असल जीवन है गुरु साहिब नाल कीता होया प्यार ते गुरु साहिब दा कीता होया सत्कार। आओ सारे अज तो प्रण करिए कि मैं अज तो बाद अपने जीवन के हर कार्य विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार मुख रखांगा, ना ही मेरे मोबाइल फोन की घंटी कदे गुरु साहिब की हजूरी विच वजेगी अते ना ही मैं कदे गुरु साहिब की हजूरी विच बैठ के फोन सुनांगा। ये मेरा अपने गुरु नाल वादा है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।